गुड मॉर्निंग वंस एवरीवन। और आज तीसरा दिन है दुबई में। फिलहाल मैं सांगदोर जी, मेरे भाई बाची, हम लोग तीन बाहर निकला है। हालांकि हम लोग तीनों का अलग अलग काम है आज। सांगदोर जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे भाई आप? स्पोर्ट सिटी। और ये बायोमेट्रिक काम के लिए जा रहा है। और मैं और बाची जा रहा है, हम बॉक्सिंग करने जा रहे हैं। हाँ सही बोला, किसी को पैसे लेना है तो पैसे नहीं देते ना दुबई में, किसी को पैसे देने का बात तो वो पैसा निकालने जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं पैसा निकालने वाला को? वसूल। सही बोला बंदा ने, ये वर्ल्ड चैंपियन वाला है मार्शल आर्ट्स, इसको लेके जा रहा है वसूली करने। पैसा नहीं देगा तो धुलाई दे के आएगा दोनों मिल के आज। मजा कह रहा है फिर, यहाँ मारपीट नहीं करना है, प्यार से बात करते हैं। क्या हो गया? रोटी खा लेगा। अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेगा। वैसे हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लगभग अभी सुबह का 10 बज चुका है। पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग अलग अलग अपना अपना डेस्टिनेशन में चलते हैं। तो आपको मिलूंगा ब्रेकफास्ट करने जगह। चलिए रेस्टोरेंट में आ गया हम लोग। क्या खिलाएगा आप? आया है निहारी है, हलीम है, चिकन है, मटन है, रोटी है, पराठा है, नान है, सब ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा। सब मिल जाएगा। पराठा खाना है, रोटी खाना है? पराठा। पराठा ये है दुबई का पराठा, देखो इतना बड़ा बड़ा पराठा। उठा था इसको, उठा था, इतना बड़ा बड़ा पराठा। कितना है इसका? 20 रुपया। एक दिरहम। देखो पराठा इतना बड़ा है लेकिन 1 रुपये मिल जाता है। ये है दुबई का खाना। आ रहा है सब्जी, आ रहा है सब्जी में। हमने क्या मंगाया है? चना, काला चना। YouTube पे डालो, YouTube में। हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या है? आपको भी आएगा? मेरा नाम अशफा है, मोहम्मद अशफा। मोहम्मद अशफा, अशफा ना अशफा। YouTube चैनल है जो बहुत बोल रही है। ये भैया सांग का बेस्ट रेस्टोरेंट है, हमेशा सांग यहीं आके ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो भाई अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं बात को। सो ब्रेकफास्ट डन, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद अब निकलते हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से हम सब अपना अपना डेस्टिनेशन जाएगा, वो सांग जाएगा अलग जगह, बच्चे हम दोनों जगह अलग जगह, ठीक है, फिर जाके मिलते हैं आपको मेट्रो स्टेशन में। चलिए सो फिलहाल हम लोग आ गया अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन, जो कि सबसे नज़दीक है हमारा रेसिडेंट से। और यहाँ से हम लोग तीन अलग होगा अभी। सो नज़ारा देख लो, दिस इज अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन। ओके, मैं और बच्चे जाएगा गोलसुक्ट, सांग जा रहा है इंटरनेट सिटी, मतलब ये सबसे दूर जा रहा है। हम लोग बस नेक्स्ट स्टॉप में जा रहे हैं और मिलते हैं वहाँ जाके, क्योंकि मेट्रो में वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो अलाउड भी नहीं करते। हालांकि मैंने अलाउड नहीं करने से बहुत बार बना के दिखा दिया। चलिए बाय। सो फाइनली हम लोग जहाँ पे जाना था, बोले तो अपना डेस्टिनेशन, वहाँ आ गए। एंड दिस मेट्रो स्टेशन नेम इज़ कॉल्ड गोलसुक्ट, और एग्ज़िट नंबर 1 से मैं और बच्चे निकाल रहा हूँ। और हमें जाना है रोड के उस पार, और वो हमें जाना होगा स्काई पुल के ज़रिए से, क्योंकि यहाँ रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते, तो हम उस स्काई पुल का इस्तेमाल करते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। तो ये है स्काई पुल, इसके ज़रिए हमें जाना होगा उस रास्ते के पार, उस ऑपोजिट डायरेक्शन में। और वो जो दुकान आपको नज़र आ रहा होगा, शायद यहाँ से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, RWK जो गोल्ड का दुकान है, वहाँ हमें जाना है और इस स्काई पुल के ज़रिए, क्योंकि हमें रास्ता क्रॉस करने कोई है नहीं, जो पेडेस्ट्रियन किया था वो नहीं है। सो मैं और बाची जा रहे हैं यहाँ से। देखो स्काई पुल से जो नज़ारा है मैं आपको दिखाऊंगा, इट्स ब्यूटीफुल राइट। ये हो गया स्काई पुल का ऊपर से ऐसा कुछ दिखता है, कितना खूबसूरत लगता है ना। वो है टनल, जिस टनल का नाम है संदिका टनल, और उस साइड बर्दुबा है और इस साइड आपका देरा, यानी आप इसको गोल्ड सुक भी बोल सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे लिखा है गोल्ड लैंड। यहाँ पे सोना चांदी हीरा मोती सारा आपको मिल जाएगा। एंड इस साइड ऐसा दिखता है, और हमें जाना है वहाँ एग्जैक्टली ट्री के पीछे। ओके, और मेरा भाई बच्चे फ़ोटो खींचने में लगा पड़ा है वहाँ। विंटर है इसलिए मज़ा है, मौसम देखो कितना क्लियर नज़र आ रहा है, ऊपर नीला आसमान नज़र आ रहा है, बीच में बादल भी नज़र आ रहा है। अदरवाइज ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है अपने को, क्योंकि वो क्या फोक टाइप से होता है ना सारा, या आप स्टोन क्या कहते हैं वो सैंड स्टोन भी कह सकते हैं, इससे पूरा ढका रहता है, आमतौर पर नज़र नहीं आता ठीक से। फिलहाल नज़र आ रहा है पीला आसमान नज़र आ रहा है, बादल नज़र आ रहा है। एंड हियर वी आर इन आवर डेस्टिनेशन RWG रेड वाइट गोल्ड जनरल ट्रेडिंग।
हमें यही आना था। चलो आपको अंदर जाके मिलते हैं। मेरे हमारा लिंबू सर से कैसे है बताइए आप। हैव सेड बची सर। सो आज तीसरा दिन है और आज का मीटिंग हमारा लिंबू सर से है। आप अपना परिचय दीजिए सर जी। मेरा मिस्टर लिंबू है। आप कहाँ से? नेपाल से। और ये सर का क्या कहते हैं ऑफिस है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं कंसल्टेंसी। अपना कंसल्टेंसी आपका, राइट? हाँ, ये सर का कंसल्टेंसी। खैर चलो, मुझे यहीं आना था घर से और यहाँ आ गए। अभी बातें बात को करते हैं। बाय बाय फिलहाल के लिए। थैंक यू बॉस। सो अपना काम बन गया। अभी काम बन गया, जैसे काम हो गया जिस काम के लिए आए थे। अभी हम निकलते हैं यहाँ से बर दुबई फिर से। और यही है विदेश का दुनिया। भागो एक दूसरे, एक जगह से दूसरा जगह, दूसरा तीसरा जगह। जितना भाग सकेगा आप बस उतना ही आगे बढ़ सकेगा। नहीं भागोगे तो पैसा खाना पीना आपको बिस्तर में लेके देने लगा कोई नहीं है। यहाँ अपना भाई भी अपना सगा नहीं होता। यहाँ याद रखना, आप मेहनत करोगे तो आपको आगे बढ़ सकता है। सो अभी फिर से वापस वही रास्ते जाना है। सो दिखाने का कोई मकसद मतलब ही नहीं रहेगा। देन कहीं और जाएगा तो आपको मिलाएगा। आखिर कहीं और नहीं गया तो बाय बाय। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, ठीक है? होपफुली दिन का भी शुरुआत हुआ। लगभग 8-9 बज रहा होगा, लगभग 10 बज रहा है। देखते हैं टाइम कितना हुआ। और द टाइम ओके 11 बज गया है, तो दिन का शुरुआत ही है अभी। डेफिनेटली एक और दो काम ख़त्म करना होगा मुझे और एक दो लोग से मिलना होगा। वो काम करने के बाद भी शायद आज का दिन ख़त्म होगा मेरा। तो गाइस हम लोगों का प्लान चेंज हुआ है। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ओत मेहता। अभी गोलसुख में आया था, गोलसुख से ओत मेहता जाएगा। ओत मेहता में एक मॉल है, उसका नाम वफी मॉल। हाँ, डोर्स क्लोजिंग। फिलहाल मेट्रो में देख सकते हैं आप, बढ़िया है ना? और ओत मेहता जाके मिलते हैं, ठीक है? आ गया वफी मॉल में और यहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है? मैं आपको दिखाएगा, वो रहा एंट्रेंस। यहाँ से इंटर करके ऊपर जाएंगे जिस काम के लिए आए हैं और वहीं जाके आपको बताएंगे कि हम किस काम के लिए आए हैं, ठीक है? मजा है ना? दुबई में तो सारा मॉल बड़ा बड़ा है ना, तो आपको जहाँ जाना है आपको नहीं पता है तो देखो ये कहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन डेस्क, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। और वहाँ पे लिख वो जो था ना इन्फॉर्मेशन डेस्क था, वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कहाँ जाना है उसको वहाँ पे टाइप करके। दूसरा बात आपको यहाँ पे लिखा रहता है। सो मैं इस मॉल में क्या करने आया हूँ आपको अभी बताने से पहले दिखा देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू हियर VFS ग्लोबल मीन्स वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। मैं यहाँ जा रहा हूँ, ओके? सो बताएं उसे पहले दिखा दिया, दैट्स वंडरफुल, राइट? तो हम चलते हैं VFS ग्लोबल में और यहाँ जाके पता करेंगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या US जैसे कंट्री जाना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, प्रोसेस क्या करना है, कैसे करना है, ओके? इस वीडियो में कोशिश करूँगा मैं आपको बताएं। फाइन चलो चलते हैं। VFS कहाँ है ढूंढ लेते हैं पहले। मैं आज से पहले लगभग एक दो महीना पहले आया था एक बार, लेकिन फिलहाल बोल गया फिर क्योंकि मॉल इतना बड़ा है ना।
दुनिया यहाँ में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपका एग्जिट्स हैं, एंट्री हैं। देखो फिर यहाँ में क्या मस्त है ना, खूबसूरत है ना। तो ये सब है वाफी मॉल में आपको दिखाया, और भी कुछ आगे मिलेगा आपको दिखाऊंगा, ठीक है चलो। देखने को मिलेगा वाफी मॉल, चलो बाकी काम करके आना है लौट के, इसलिए जल्दी चलते हैं, काम भी करना है ना। मैं जा रहा हूँ VFS, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन की जगह में जा रहा है। कौन सी वीज़ा एप्लीकेशन बोले तो जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा ऐसे कहीं जगह बराबर देश जाता है ना उसके लिए स्पेशल, ठीक है। वैसे भी मेरा बैटरी कम है, उम्मीद करता आज का ब्लॉग में आपको बता सकूं जो मैं काम करने आया और वो काम करके दिखा सकूं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गया VFS में, और बाकी आज यहाँ जगह जो भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूँगा वो चाहे USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन कहीं का भी हो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल तो मुझे मॉल के अंदर ये VFS कहाँ पे है ग्लोबल ढूंढने में ही मेरा टाइम निकल गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विथ फुल डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये रहा VFS ग्लोबल, नेक्स्ट